नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, रेत तस्कर मामले में दो बड़े मामले नागपुर की एसआईटी टीम जांच कर रही है। कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस पे एसआईटी का गठन किया है जिसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन मोयल जो रेत मामला है, उस मामले में कहीं ना कहीं कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा, जिसको लेकर के हमने जाँच अधिकारी एपीआई संकेत चौधरी जी से बातचीत की। बातचीत क्या की, पहले वो आपको हम सुनाते हैं। सर, मोइल वाले केस में अभी क्या प्रोग्रेस है सर? चालू है, तपास चालू है अभी। सर, अभी तक उसमें सिर्फ क्या सिर्फ एक ही आरोपी अनुराग चौहान यही अरेस्ट हुआ है और उसके अलावा कोई नहीं? नहीं। तो सर, इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था सर, जैसे कि सामने वाले केस में प्रोग्रेस थोड़ा दिखा गया, लेकिन मोइल वाले में कुछ खास प्रोग्रेस न देखने का कारण इसमें है ना, अभी आपने गाड़ी सीज की है, 9 गाड़ी सीज की है, आरोपी फरार है ना, इसमें आरोपी का ढूंढने का चालू है ना। अच्छा, मिलेंगे तो प्रोग्रेस हो जाएगा, आरोपी मिलेंगे तो आगे ही हो जाएगा, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे। डेढ़ महीने हो गए। ओके, हाँ, लेकिन अब कैसा रहता, आरोपी भी है अभी, सब डेढ़ महीना हो गया, अभी थोड़ा सा वही हो जाता है। सर, ऐसा सूत्र बताते हैं कि सर, जो उनके जो मुख्य जो मेन जो लोग हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आरोपी फरार है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएगा, एक दो दिन में हो जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, इस मामले में सदर आलम गैंग अभी तक फरार है। इस मामले में एसआईटी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार क्या कहते हैं, आइए हम वो भी सुनते हैं। देखिए, इसमें ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, तपास हो रहा है। सदर आलम अभी फिलहाल मुख्य आरोपी है जो अभी फरार है। इस केस के अपवर्ड लिंकेजेस, ये कौन इस पूरे गैंग को चलाता था, इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल थे, उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि आगे के समय में आप इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है और भी कड़क तरीके से आपके सामने आएगी। तपास एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, किसी के तरफ भी कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने का कोई प्रश्न नहीं है। और जो भी अधिकारी के बारे में आपने संशय व्यक्त किया है, पारदर्शकता रहने की दृष्टि से उसको पहले ही, आज से 15-20 दिन पहले ही उसको क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर किया जा चुका है। वो अभी फिलहाल शायद ट्रैफिक ब्रांच में कार्यरत है, वो अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच में कार्यरत नहीं है। ये पारदर्शकता रहे और किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे, इसलिए ये कदम उठाई गई। दोस्तों, पिछले डेढ़ महीने से इस पर कोई खास कार्रवाई नजर नहीं आ रहा है। इस पर कई सवाल भी उठने लग गए हैं कि आखिर इस मामले में, इस तस्करी में, रेत तस्करी में, अब जो डुप्लीकेट ईटीपी मामला है, इसमें आखिर मोइल मामले में क्यों कोई खास एक्शन नहीं हो रहा है, एक बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि आखिर सदर आलम गैंग जो फरार है, उसके आने के बाद क्या नया मोड़ लेता है। और उससे पहले अगर कोई नई जानकारी हम तक मिलती है तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।